सोलन शहर में कायलर गांव, जहां की आबादी 200 लोगों की है। इस गांव में गंदा पानी सप्लाई होने से यहां के लोगों की सेहत खराब हो रही है। अनेकों बार शिकायत करने पर भी जिला प्रशासन इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। वहां के लोगों में पीले जैसी बीमारी हो रही है। आपके गाँव में पानी की समस्या कितने समय से है? पानी की पीने की समस्या तो है ही जी। अब ये जो इधर पानी दिया है कमेटी का, जो पानी आ रहा है हमारे को या जो आ रहा है, आता जरूर है, 4-5 दिनों के बाद आता है। ये हमारे गांव में जो लाइन है, यहाँ कम से कम 200 मीटर तो बिल्कुल सड़क के ऊपर है जो ये लाइन बिछाई है, और फिर जब भी क्रॉसिंग होती है तो पाइप टूटता रहता है और इसमें पानी भी गंदा गुंदा आ रहा है। तब से हमारे को प्रॉब्लम भी आ रही है जी, कभी पेट खराब हो रहा है, कभी जो है बच्चों को अभी पीलिया हुआ है, बाकी साथ में मेरे अभी 6 महीने में दोबारा पीलिया हो रहा है जी, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने इसकी शिकायत कब करी और कहाँ करी? उनकी शिकायत तो हम ज़्यादा कर इनके जो लाइन में आते हैं उन्हीं को ही करते हैं जी, और बाकी फ़ोन पे जब बहुत दिन हो जाते तो फ़ोन पे भी हम देते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो एक दो दिन आता है फिर बीच में वही हाल हो जाता है। कायलर गांव, जहां की आबादी 200 लोगों की है, यहां लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है, सारा परिवार एक साथ ही रहता है। इस गांव में राजेंद्र कुमार से मिलने पर पता लगा कि गांव में पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है। IPH विभाग द्वारा बिछाई गई सारी पाइपें टूट गई है, जिससे नालियों का गंदा पानी उनमें आ रहा है, जिसे पीने से पीलिया जैसी बीमारी लगातार हो रही है। गांव में कई लोगों को ये बीमारी हो गई है। गंदा पानी आने की वजह से गांव वाले नेचुरल रिसोर्स पे निर्भर है। विभाग को शिकायत करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेंद्र का कहना है कि पाइप टूट जाने पे वो सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे ठीक कराते हैं। जिला प्रशासन लीक हो रही पाइपों को बदल कर उन्हें सही करे, ताकि साफ और सुरक्षित पानी ही घरों तक पहुंचे। साथ ही साथ वो नेचुरल रिसोर्स के पानी की भी जांच करे, ताकि पीले जैसी बीमारी और लोगों को ना हो। जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें 9418025123। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।